हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो में हम टोटल एक्सप्लोर करेंगे नॉर्थ गोवा के जो फेमस बीच हैं, जैसे कि अपना फर्स्ट बीच है नॉर्थ गोवा का फेमस कलंगट बीच, जो कि कलंगट सिटी में है। देन उसके बाद हम जाएंगे कंडोलियम, और देन उसके बाद हम जाएंगे सिंकेरियम। और दोस्तों बागा बीच भी है नॉर्थ गोवा का बहुत ही फेमस, बट वो हमने अलग ही एक सेपरेट वीडियो में बनाया है, जो उसके लिए आपको आई कार्ड में एक वीडियो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों ये ब्लॉग होने जा रहा है कलंगट बीच का, जो कि है कलंगट सिटी में। और दोस्तों जो नॉर्थ गोवा में जो कलंगट बीच है, हालांकि नॉर्थ गोवा में कलंगट एक सिटी है और वही बीच के बाहर बहुत बड़ा मार्केट है। दोस्तों अभी हम हैं कलंगट बीच की मार्केट में और हम जा रहे हैं कलंगट बीच, ये भी बहुत फेमस है नॉर्थ गोवा में दोस्तों। और चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये कलंगट बीच जो है इसकी मार्केट कैसी है और आसपास इसके क्या क्या है, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। देन हम जाएंगे कलंगट बीच में, देखेंगे यहाँ पर कैसा मार्केट है और कैसा कलंगट बीच है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, जर्नी शुरू करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये लोकल मार्केट है कलंगट बीच के बाहर की, नॉर्थ गोवा में पड़ता है। यहाँ पे टैटूज़ और जो टी शर्ट्स हैं, जो बहुत ही फेमस टी शर्ट्स होती हैं गोवा की, गोवा साइन वाली टी शर्ट, तो इस तरह की दोस्तों आपको टी शर्ट मिलेंगी बहुत सारी। यानी बहुत सारे कपड़ा मार्केट है, अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो इस तरह से कलंगट मार्केट में शॉपिंग कर सकते हो। और दोस्तों इस तरह से आप टैटू बनवाना चाहें तो टैटू बना सकते हैं कलंगट बीच के बाहर, बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। दोस्तों ये ओवरऑल मार्केट है पूरी। दोस्तों इस तरह से पूरी मार्केट है कलंगट बीच के बाहर की। और दोस्तों जब कभी भी आप कलंगट बीच आओगे, आप पार्किंग के लिए आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा। अगर टू व्हीलर है तो 20 रुपीज़ आपको पार करके कलंगट बीच के अंदर आप जा सकते हो। और ये बहुत ही फेमस बीच है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं कलंगट बीच के पास, और ये है कलंगट बीच की टू व्हीलर की पार्किंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पार्क कर दी है और 20 रुपीज़ है यहाँ का पार्किंग, और आपको एक स्लिप देंगे पार्किंग के लिए। और देन उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर होती है एंट्री। फाइनली दोस्तों हम कलंगट बीच में आ चुके हैं, और ये रहा दोस्तों ओवरऑल पूरा व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे होगे हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ भी। मतलब दोस्तों नॉर्थ गोवा की अगर बात करें तो दोस्तों कलंगट बीच आता है नॉर्थ गोवा में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नॉर्थ गोवा जाना जाता है पार्टीज़ के लिए, क्राउड ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो जैसा आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा अगर आपको क्राउड देखने मिलेगा ना, सबसे ज़्यादा जो भीड़ देखने मिलेगी तो वो है कलंगट बीच में। और अगर आप भीड़ को अवॉइड करना चाहें, क्राउड को अवॉइड करना चाहें, देन यू कैन गो टू डिफरेंट लाइक कंडोलियम। वो थोड़ा नॉर्थ गोवा में थोड़ा पीसफुल वाला जगह है, वहाँ कम भीड़ होती है। और सिंकेरियम जा सकते हैं, और भी काफ़ी हैं हालांकि। तो दोस्तों ये है नॉर्थ गोवा में कलंगट बीच, जो कि कलंगट सिटी में ही है। और यहाँ से दोस्तों नॉर्थ गोवा की अगर बात करें तो सारे जितने भी बीच हैं, जैसे कि ये कलंगट बीच आपको दिख रहा है, और यहाँ से ही सारे बीच, जैसे इस तरफ जाएंगे तो 2 किलोमीटर इस तरफ पड़ेगा हमारा बागा बीच, इस तरफ 1 किलोमीटर कंडोलियम, और उसके बाद 3-4 किलोमीटर सिंकेरियम बीच। तो ऐसे लाइन से पूरे बीच हैं फेमस बीच जो नॉर्थ गोवा में। तो दोस्तों नॉर्थ गोवा के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है और गोवा की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया है, जो कि बागा बीच का जो आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने सारी नॉर्थ गोवा की इन्फॉर्मेशन दी है कि गोवा कैसे आना है, गोवा का मतलब गोवा आने के लिए आपको कहाँ उतरना है, कौन से रेलवे स्टेशन में उतरना है, और नॉर्थ और साउथ गोवा में डिफरेंस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो एक वीडियो बनाया है बागा बीच वाला, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और हालांकि अभी हम एक कलंगट बीच में, और इस नॉर्थ गोवा के वीडियो में आप नॉन स्टॉप 3 बीचेस हम कवर करेंगे, जो कि है कलंगट, कंडोलियम और सिंकेरियम बीच। और इस तरह से आप जैसा देख पा रहे हो कि
बीच हालांकि सब सेम ही है, बट हालांकि ये जो कलंगड़ बीच माना जाता है बहुत ही फेमस इसलिए माना जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। और इस तरह से पीछे बेड जो बेड्स हैं इनके प्राइस के लिए भी आप अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये इन सब की प्राइस के लिए आप बाघा बीच वाला वीडियोस देखिए, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो यहाँ पर रेस्टोरेंट पे खाना खाने से कितना चार्ज होता है, और सारी डिटेल मैंने आपको दी है अबाउट नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, और पूरी डिटेल कि यहाँ आना कैसे है वो सारी डिटेल आपको मिलेगी बाघा बीच के वीडियो में। तो दोस्तों इस तरह से ओवरऑल व्यू है दोस्तों। ये दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कंडोलियम बीच। तो दोस्तों कंडोलियम बीच में अगर आप आते हो तो दोस्तों 50 रुपीज़ है टू व्हीलर का 50 रुपीज़ चार्जिंग है, पार्किंग चार्जिंग है कंडोलियम बीच का। और इस तरह से सारे बीच का अलग अलग पार्किंग का अलग अलग चार्ज है, जैसे कि कंडोलियम में कुछ 50 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है और फोर व्हीलर का कुछ 100 रुपीज़ है पार्किंग चार्ज। और इस तरह से आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हो इस तरह से पार्किंग है, यहाँ की पार्किंग कुछ ज़्यादा ही मतलब सेफ और सिस्टमेटिकल बनी है इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। और ये कंडोलियम बीच का बाहर का व्यू है, और अब मैं आपको कंडोलियम बीच के बाहर जो एक मार्केट है छोटी सी वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों जनरली हर एक बीच के बाहर छोटी सी बड़ी सी मार्केट है खाने पीने की, कपड़ों की एंड ऑल दैट। तो दोस्तों अभी जैसा कि हम हैं कंडोलियम बीच में, और ये कंडोलियम बीच जो है ये नॉर्थ गोवा में पड़ता है दोस्तों। जैसा कि ये वीडियो है नॉर्थ गोवा के बारे में, नॉर्थ गोवा के जो फेमस बीच हैं जैसे कि हो गया अपना ये कंडोलियम बाघा बीच, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, और ये है कंडोलियम बीच। और इसके बाद हम जाएंगे सिक्केरियम बीच, और हमने इसके पहले देखा कलंगड़ बीच। तो दोस्तों इस तरह से सारे बीच हैं, हालांकि सारे बीच सेम ही हैं बट डिफरेंस बस इतना है दोस्तों कि अगर आप जैसे कि क्राउड वाले बीच में जाना चाहते हो तो कलंगड़ बीच है, और आप थोड़े पीसफुल वाले बीच में आना चाहते हो तो कंडोलियम है, और जो बाघा बीच है वो वाटर स्पोर्ट्स और जो शैक्स होते हैं जो मतलब ये हिंदी और इंग्लिश म्यूज़िक जो बजते रहते हैं इस तरह से रेस्टोरेंट पे, उन सब के लिए थोड़ी नाइट लाइफ पार्टी के लिए आपको बाघा बीच बेस्ट रहेगा। और जो सिक्केरियम बीच है दोस्तों वहाँ पर भी हम जाएंगे देखेंगे वहाँ कैसा है, हालाँकि बहुत पास में ही है। और इस तरह से दोस्तों ओवरऑल इसका व्यू है कंडोलियम बीच का। जैसा कि आपने देखा हर एक बीच के अलग अलग नज़ारे हैं, हर एक बीच के अलग अलग इसकी जो क्वालिटी है, जैसा कि यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे तो बीच आपको सब सेम ही मिलेंगे, बस खाली डिफरेंस ये होगा कि कहीं पब्लिक ज़्यादा होगी कहीं कम होगी कहीं शांति होगी। हर एक बीच अपने अपने जगह में फेमस है, जैसा कि बाघा बीच है ना पार्टी इसके लिए ज़्यादा जानी जाती है क्योंकि वहाँ पर जो शेक्स हैं इस तरह के शेक्स मतलब रेस्टोरेंट इस तरह के बीच बेड्स जो हैं वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह बजता ही रहता है। टीटोस लेन क्योंकि करीब में है वहाँ पे पार्टीज़ होती रहती हैं, वो आपने बाघा बीच के लिए आप बाघा बीच वाला सेपरेट वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस तरह से हमने पूरी तरह से कंडोलियम बीच एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम जाएंगे सिक्केरियम बीच जो कि इसी के थोड़ा आगे है और वो भी बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा है। ये हम हैं सिक्केरियम बीच में जो कि नॉर्थ गोवा का हमारा लास्ट स्पॉट है बीच का, और उसके पहले हम थे कंडोलियम जो कि आपने देखा, और ये है पार्किंग एरिया, और यहाँ भी पार्किंग के कुछ 50 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, देन उसके बाद आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। और यहाँ पर स्नैक्स वगैरह साइड में आपको यू कैन बाय एंड ईट। और जो कि सिक्केरियम बीच है वो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है ये भी, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि और इस तरह से पूरा नहीं है, वहाँ से होती है एंट्री, और ये ओवरऑल व्यू। सिक्केरियम बीच में अगर आते हो तो आपको इस तरह से ये फोर्ट देखने को मिलेगा, एक छोटा सा मतलब गोल राउंड शेप में बना हुआ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप फोटोशूट के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। We'll be right back.
चलिए दोस्तों अब चलते हैं बीच की ओर और देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या है। ये है सिंकेरियम बीच, जैसा कि आपने देखा वहाँ थे हम पहले इस फोर्ट के अंदर, और ये सिंकेरियम बीच है और इस तरह से ओवरऑल इसका लुक है पूरा जैसा कि आप देख पा रहे हो। और तो दोस्तों ये है नॉर्थ गोवा का लास्ट स्पॉट हमारा घूमने का। अब हमने पहले सबसे पहले कलंगड़ बीच देखा, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट वहाँ वाटर स्पोर्ट और ये सब चीज़ें भी थी। और कंडेलियम देखा बाद में हमने, और उसके बाद ये सिंकेरियम, और उसके ये सिंकेरियम एंड है यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो। जो फोर्ट है वहाँ पे सिंकेरियम एंड है, और इसके अगर हम यहाँ से अगर चल के जाएँ तो वो वहाँ पर ही कंडेलियम बीच आता है जो कि बहुत ही पास में है। तो उसके आगे फिर आता है कलंगड़ एंड देन उसके आगे आता है बागा। पूरी लाइन से इस तरह से पूरे बीच बने हुए हैं 5 से 6 किलोमीटर के दायरे से, मतलब यहाँ से अगर हम जाएँगे वापस से बागा बीच तो अपने को कुछ 7 किलोमीटर पड़ेगा। इस तरह से पूरा और ओवल, मतलब बीचेस जो भी बीचेस हैं यहाँ के नॉर्थ गोवा के फेमस बीचेस, वो लाइन से पूरे बने हुए हैं। और दोस्तों मौसम भी बहुत ही ज़्यादा बारिश रेनी मौसम होने वाला है। सो इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। में उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको कौन सा बीच ज़्यादा बेटर लगा। और दोस्तों बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको गोवा आना हो तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में क्या डिफरेंस है, और यहाँ की जो लोकल डिटेल है कि यहाँ जो वाटर स्पोर्ट्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो, वाटर स्पोर्ट कौन से बीच में, कौन से वाटर स्पोर्ट का कितना प्राइस है, और जो बीच बेड्स होते हैं और बीच जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें क्या प्राइस हैं, क्या डिफरेंस है, यहाँ की होटल्स की क्या प्राइस है, एवरीथिंग, मतलब समझ लो गोवा आने की अगर आप प्लान कर रहे हो तो पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो वो मैंने पूरी डिटेल दी है बागा बीच, जो वीडियो बनाया मैंने बागा बीच वाला, आपको आई कार्ड में वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लिंक दे दूँगा, आप वो वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल दी है अबाउट गोवा, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आने के लिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन वे, यहाँ पर लोकल कैसे घूमना है, एवरीथिंग मैंने उसमें गाइड किया है, तो वो वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हाँ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों तो जिससे मुझे और ब्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सी यू।